हेलो एवरीवन, दिस इज रीना एंड वेलकम बैक टू माय चैनल रीना पर फुल ऑफिशियल। होप सो यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो आज मैं आप लोग के लेकर आई हूँ करवा चौथ शॉपिंग ब्लॉग वीडियो। और बहुत लोग मुझसे बोलते हैं कि तुम्हें क्या काम होता है यार, क्या काम करती हो, क्या करती हो। तो देख लो मुझे क्या काम होता है। टोटल घर का काम होता है, जितना तुम्हें होता है, जितना एक हाउस वाइफ को होता है, वो सारा कुछ काम मैं करती हूँ। ऐसा नहीं है सारा कुछ करना होता है, ब्लॉग में उतना मैं शेयर भी नहीं कर सकती हूँ जितना काम होता है। सो ये सारा काम फिनिश करने के बाद मैं टाइम निकालती हूँ अपने वीडियोज़ वगैरह के लिए, जो कि मैं बनाती हूँ, रील्स पे हो गया या फिर यूट्यूब पे हो गया। सो देख लो सारा कुछ काम होता है मुझे। ऐसा नहीं है कि मुझे कुछ भी काम नहीं करना होता और मुझे बैठे बैठे सारा कुछ मिल जाता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैंने इस ब्लॉग में डाल दिया, आप लोग खुद देख सकते हो। सो छोटे मोटे काम वगैरह करने के बाद मैं गई थी बैंक, बैंक से आने के बाद मैं गई थी मार्केट। और मार्केट, ओ माई गॉड, इतना ज़्यादा भीड़, इतना ज़्यादा भीड़। सिर्फ करवा चौथ की शॉपिंग के लिए लोग आए थे, इतना भयंकर वाला भीड़ था। आप लोग खुद आगे वीडियो में देखना। और मैंने क्या क्या शॉपिंग की, क्या क्या मार्केटिंग करी, सारा कुछ वीडियो के लास्ट में है, मैंने अलग से बनाया हुआ घर पे आने के बाद, ताकि आप लोग देख पाएं। सो वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहना और बिना स्किप के वीडियो देखना एंड वीडियो एंजॉय करो। क्या बाय पीटर, अभी 5 मिनट में आ जाएंगे, ठीक है? ओ अभी जल्दी आ जाएंगे बेबी, नहीं जाओ कहीं, नहीं जाओ, आपको भी चलना है। चल पर बाय करो, बाय नहीं करोगे तो मम्मा कैसे जाएगी भाई, मम्मा को काम है ना। अब टीवी देखना बस, ऐसे 5 मिनट में मम्मा आ जाएगी, ठीक है? फाइनली हम लोग जा रहे हैं बैंक एंड काम कुछ काम है। ओके सो हमें कुछ चलते हैं। ये क्या हुआ, मीन्स मैं यहाँ से खोल रही और तुमने ही पूरा गेट ही खोल दिया। सो हम लोग आ चुके हैं। ओके सो बंद हो चुका और हम लोग आ गए, कोई काम नहीं हुआ। ऐसे ही गया मार्केट में, इतना ज़्यादा भीड़, इतना ज़्यादा मीन्स क्या ही बताऊँ, बहुत ज़्यादा भीड़ था मार्केट में। आप खुद वीडियो में आगे देखना। अरे पहन रही हूँ, मैं चश्मे चश्मे दिखेगा फिर। देख लो 50 रुपए की सेल साड़ियों की, 150 का 1। वाह अच्छे लग रहे हैं ना। अरे आज तो सिर्फ सजाने के सामान आ रहे हैं, देख लो। ये पीस ये दो मुझे भैया, हेलो एक करवा उधर से, उधर से मन में कुछ नहीं आ रहा।
ये वाला लेना है क्या अभी कैसे ये वाले कौन से वाले जो कौन से वाले ये वाले मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं ये वाले हाँ ये 50 के अच्छे लग रहे हैं मुझे ये बहन बोट और ये वाले कैसे कौन सा ये 40 रुपए का लगेगा कौन सा देना इसके लिए लगाओगे 40 ये 60 रुपए का मैं 50 बता रहा हूँ तभी बता रहा हूँ और इसके 40 मुझे बहुत सारे लेने ये कैसे हो रहे हैं ये देखो एक बहुत सारे के दुकान खोल रहे आपको इनका फंडा सही है तो यहाँ पे हो गए हमारे करवे मैंने ले लिए तो यहाँ पे करवे हो गए और मुझे लेना है प्लेन वाला तो कल मैं मार्केट गई थी और मार्केट से आते आते मेरे को 9:30 बज चुके थे 9:30-10 तो मैंने मेहंदी लगाई और मैंने बिग बॉस देखा देन उसके बाद मैं सो गई सो इसलिए मैंने शेयर नहीं किया कल मैंने क्या क्या मार्केटिंग किया था बट हाँ मैं नेक्स्ट मॉर्निंग आज मीन्स करवा चौथ के दिन नहाने से पहले मैंने सोचा कि चलो मैं फ्री हूँ तो एक बार शेयर कर दूँ कि मैंने क्या क्या चीज़ें बाय की हैं सो लेट्स सी मैं दिखाती हूँ आप लोगों को क्या क्या चीज़ें मैंने बाय की तो सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखाती हूँ मैंने ये फ़ोटो लिया करवा माता का और ये मेरा फर्स्ट करवा चौथ पूजा है तो मुझे कुछ भी आइडिया नहीं था तो मेरे जो साथ में रहते हैं उन्होंने मुझे बताया कि ये चीज़ें लेना है तो बस उनके साथ जाके मैंने मार्केटिंग करी होप सो आप लोगों को ये वाला फ़ोटो दिख रहा होगा सो ये वाला मैंने फ़ोटो लिया एंड उसके बाद मैंने क्या ये करवा एक बोलते हैं इसको ये आई थिंक करवा ही बोलते हैं तो ये ऐसे ये पूरा प्लेन वाला है जैसे इसमें कुछ वो नहीं है इसमें पता नहीं शायद अन्न वगैरह भरते उसके लिए है देन सेकेंड सेम मैंने ये चीज़ लिया है ओके मैं एक बार इसको ओपन करके दिखाती हूँ इसमें दिया नहीं है यार अच्छा है तो ये रहा सेकेंड सेकेंड ये रहा तो ये मैंने डाल दिया एंड थर्ड सो ये मैंने लिया सेकंड ये कहीं इसमें फिल करना है लाइक अन्न एंड ये चंद्रमा को पानी देने पानी के लिए यहाँ पे कुछ इस तरह से ही निकला हुआ है हाँ तो ये इसका कैप एंड ये दिया ओके एंड दिस फिल्स पता ना आप लोगों को ये कैसे लगा थाली एक्चुअली मुझे बहुत अच्छा लगा बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लगा मैंने कुछ और भी सोचा था बट मार्केट में लेट हो रहा था सो मैंने एक बार ये ले लिया मैंने कहा चलो नेक्स्ट टाइम कभी और ले लेंगे फिलहाल मैंने ये चीज़ें ले ली जिनके ऐसे देखो फ्लावर लगे हुए इन पर लाइट की वजह उतनी अच्छी से चीज़ें दिखती नहीं जितनी अच्छी रियल में होती हैं एक्चुअली एंड दिस थाली सो ये है मेरा करवा चौथ का पूजा का ये सारी चीज़ आई थिंक पूजा का बोलेंगे एंड जो हमारी सास होती है उनको चीज़ें देने के लिए हमें चढ़ाना होता है आई थिंक जो हमारी सास होती है उनको देने के लिए कुछ चीज़ें या घर में जो बड़े होते हैं उनको देने के लिए बट मेरी सास नहीं होनी और नंद है मेरी छोटी तो मैंने नंद को देने के लिए एक ड्रेस लिया है तो वो दिखाती हूँ मैं आप लोग को ये मैंने कुर्ती लिया है
इस पर इस तरह का वर्क जो कि बहुत प्यारा लग रहा था, आप लोग देख रहे होंगे, बताना आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में। सो ये मैंने कुर्ती ली है और मैं कोई पिक्चर वगैरह शेयर करूँगी जब वो पहनेंगी। अभी मैं घर जा रही हूँ तो उनके लिए लेकर जाऊँगी। बहुत ज़्यादा चीज़ें तो मैंने नहीं ली है, बिकॉज़ इसलिए नहीं लिए कि रास्ते में ख़राब हो जाती है, टूट वूट जाते हैं कांच वाँच की चीज़ें ना, चूड़ी वूड़ी मैंने ये सब चीज़ नहीं ली है, मैंने कहा वहीं पर ले लूँगी। फ़िलहाल मैंने ये चीज़ चढ़ाने के लिए ये ड्रेस उनके लिए, जैसा कि देख रहे होंगे आप लोग, ये कपड़ा बहुत ही प्यारा है, इतना सॉफ्ट वाला जो कुर्ती होता है ना वो है, और नीचे में कुछ नहीं है, बस ऊपर में ये वाला डिज़ाइन है और स्लीव्स के ऊपर, और स्लीव्स के ऊपर ये डिज़ाइन है। यह बबली जी के लिए लिया मैंने, एक्चुअली छोटी नंद है मेरी, तो ये मैंने उनके लिए लिया है। अगर वो वीडियो देख रहे होंगे तो उन्हें वो खुश हो जाएंगे कि अरे भाभी ने फिर से, मतलब ये शादी क्या होता है, मैंने साड़ी इसलिए नहीं लिया बिकॉज शादी में क्या है कि उनके लिए एक्चुअली रियल कलर्स का ये है, जैसा कि देख रहे होंगे शादी में एक्चुअली क्या है कि उनके लिए साड़ी 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 साड़ी, सो मैंने सोचा कि चलो इस बार सूट ले लूँ मैं उनके लिए, मैंने ये सूट ले लिया। एंड इसके साथ मुझे मिला है पैंट, ये वाला जो पैंट प्लाजो बोलेंगे, नीचे से थोड़ा सा फ्रील है तो प्लाजो बोलेंगे इसको, प्लाजो सेट। तो ये है पैंट, सिंपल है, कोई वर्क नहीं है इस पर, देख रहे होंगे। देन इसी से मैचिंग मैंने लिए हैं बैंगल्स, बहुत ही ज़्यादा नहीं बट हाँ मैंने ये नॉर्मल से बैंगल्स लिए, जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे, तो कितना ज़्यादा प्यारा लग रहा है, मुझे बहुत प्यारा लगा इनकी ड्रेस से मैचिंग, उनको बहुत अच्छा लगेगा जब वो देखेंगी तो, मुझे अच्छा मतलब उनको अच्छा लगेगा। आई नो मेरी चीज़ें जो भी मैं बाय करती हूँ उनके लिए, उनको तो इतनी ज़्यादा वो चीज़ें पसंद आती हैं, सो ये तो उनको डेफिनेटली पसंद आएगा। प्लीज़ मुझे बताना कि आप लोगों को कैसा लगा इस सूट के साथ, ये वाली बैंगल्स मुझे अच्छे लगे मैचिंग, और ये मैंने लिए बिंदी, ये स्टोन वाले टाइप की बिंदी है कलरफुल में, एंड पाउडर वाले सिंदूर लिए। एक्चुअली शादी में मैंने उनको सिर्फ लिक्विड वाले सिंदूर दिए थे, सो मैंने इस बार पाउडर वाले लिए, मैंने सोचा इस बार पाउडर वाले ले लूँ, ये वाली कुछ ऐसी होती हैं और ये मुझे अच्छी लगती है, मतलब हाथ वगैरह से लगाने की ज़रूरत नहीं होती, डायरेक्ट ऐसे मेहरून कलर में ही है। एंड आई थिंक इतना ही चाहिए होता है करवा चौथ की पूजा के लिए, और फ्रूट्स वगैरह जो है वो सारा कुछ हस्बैंड लेकर आए। सो मेरी शॉपिंग बस यही थी, पता ना आप लोगों को कैसा लगा मेरी ये शॉपिंग। सो मेरा फर्स्ट करवा चौथ कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं है, इनफैक्ट मैंने किसी को देखा भी नहीं है कि कैसे करना है, एंड ऑल कुछ भी मैंने नहीं देखा और मुझे कुछ भी आइडिया नहीं कि कैसे करना है कैसे नहीं करना है, बट हाँ मैं पूछ पूछ के नीचे जो भाभी वगैरह करती है उनसे कर रही हूँ, बिकॉज मुझे ये करना था, मुझे बहुत मन है कि मैं करूँ, बहुत टाइम से सोची थी, बहुत टाइम से सोचे थे कि मैं मुझे करना है करना है करना है, एंड कुछ ना कुछ वैसा आ जा रहा था कि मैं नहीं कर पा रही थी, बट फाइनली शादी को 6 ईयर्स हो गए एंड देन उसके बाद मैं अभी कर रही हूँ और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो प्लीज़ बताना कि आप लोग को मेरी शॉपिंग कैसी लगी, एंड वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और अगर आप मेरे चैनल पर नए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, प्रेस ऑल्सो द बेल आइकन जिससे इन फ्यूचर जो भी वीडियो ना उसका डायरेक्ट नोटिफिकेशन आप तक जाए और आप मेरी वीडियो को सबसे पहले देखें और खूब सारा प्यार दें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।